यहाँ जब लोग आते हैं तो यहाँ का जो जो कल्चरल और नेचुरल सेटिंग है ये ऑटोमेटिकली हमारे एक सबकॉन्शियस लेवल पे इम्पैक्ट करती है और लोग ऑटोमेटिकली थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। हमारा जो एक इस मामले में जो हम कहते हैं यंग पीपल ऑफ ऑल एजेस, तो एज कोई बार नहीं है, एज लॉन्ग एज आप चाहते हैं कुछ नया करना। मैं यहाँ एक पास के गांव में ही पला बड़ा हूँ और वाहिदपुरा उसका नाम है, और मैं खुद फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ, मगर फिर एजुकेशन और काम के सिलसिले में आई ऑल्सो वेंट आउटसाइड, तो मैंने काफ़ी टाइम करीब 15-16-17 साल बाहर गुजारे। और ख्वाहिश होती है कि अपने लिए तो करना ही करना है, मगर थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी के लिए बारे में भी सोचते हैं, अपने समाज के बारे में भी सोचते हैं, कुछ ऐसा करें कि जो थोड़ा चीज़ों को बेहतर बनाएं। तो ये एक नेचुरल फार्म कम कल्चरल रिसोर्स सॉर्ट ऑफ रिट्रीट सेंटर है। ट्रैकिंग कैंपिंग भी कराते हैं, पार्टीज़ भी करते हैं। ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं इस पर हम बकरा रोस्ट करते हैं। सग का मतलब तो है सग देना, कशिर पचवना सग दून टू वाटर, पानी देना, खेत को पानी देना या पौधों को पानी देना। तो एक कनोटेशन है नर्चरिंग की, परवरिश करना, जिन चीज़ों को आप पालना चाहते हैं उनको आप सग देते हैं। और ये सोच के आया था कि मैं यहाँ के लोग जवान लोगों के साथ थोड़ा काम करूँगा और उनके साथ अपनी जो मैंने कुछ समझ में आई थी कुछ चीज़ें उनको उनके साथ शेयर करने के लिए मैंने शुरू किया था। वो एक मूल सस्टेनेबिलिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर से, मूल कश्मीरी में रूट, हाँ जड को बोलते हैं। तो मगर जब हमें ये समझ में आया कि हमको नॉन प्रॉफिट तो ठीक है मगर एक ज़्यादा ब्रॉडर एक्सपेरिमेंट करना है जो फॉर प्रॉफिट में पॉसिबल है, तो इसलिए हमने उसका नाम फिर सग रखा है। जड़ों को पहले सग की ज़रूरत है। सारी यहाँ जो फार्मिंग होती है सारी ऑर्गेनिक होती है, नेचुरल फार्मिंग होती है, और जो खाना हमारा बनता भी है वो भी साफ शफाफ बनता है और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के साथ बनता है जो हमारी सेहत के लिए बेहतर है। सो यू डी स्ट्रेस, डिटॉक्सिफाई एंड यू रियली रिक्रिएट। अगर आप आजकल के इस तनाव भरे ज़िंदगी में थोड़ा सा आप चाहते हैं कि कुछ टाइम आप इस ऐसी जगह बिताएं जहां आपका स्ट्रेस कम हो जाए, आप रिलैक्स करें, आप ट्रूली रिक्रिएट करें। और आप यहाँ जब लोग आते हैं तो यहाँ का जो जो कल्चरल और नेचुरल सेटिंग है ये ऑटोमेटिकली हमारे एक सबकॉन्शियस लेवल पे इम्पैक्ट करती है और लोग ऑटोमेटिकली थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं।